बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक रेस्टोरेंट में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन खत्म हो गया। यह ऑपरेशन करीब 12 घंटे तक चला। रेस्टोरेंट से सभी 13 बंधकों को बाहर निकाल लिया गया। इनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। सुबह करीब 100 कमांडो रेस्टोरेंट में घुसे और ऑपरेशन कर सभी बंधकों को छुड़ा लिया और इस कार्रवाई में 6 आतंकी मारे गए और एक आतंकी को पकड़ लिया गया। सुरक्षा बलों ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन थंडर बोल्ट का नाम दिया है। न्यूज एजेंसी AFP के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन में 20 लोगों की जान गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान किया और कहा कि आतंकी हमलावरों का कोई धर्म नहीं होता। इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस्लामिक स्टेट ने समाचार एजेंसी अमाक के जरिए हमले के करीब 4 घंटे बाद इसकी जिम्मेदारी ली। अमरीकी सांसदों ने भी ढाका बंधक संकट की निंदा की है। वहीं IS की ओर से हमले को लेकर अमरीका ने फिलहाल पुष्टि होने से इनकार कर दिया। इस मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारतीय लड़की की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि तारुषी जैन की मौत दुखद है। इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, ये आतंकी धर्म के दुश्मन थे। रमजान के महीने में कौन मुसलमान हत्या। जयपुर में MLA की BMW कार ने 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर में एक तेज रफ्तार BMW कार से ऑटो की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। कार फतेहपुर सीकरी के विधायक नंद किशोर महरिया की है। कार में उस वक्त विधायक का बेटा सिद्धार्थ महरिया मौजूद था। कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो और कार दोनों की ही हालत बुरी तरह खराब हो गई है। नंद किशोर महरिया फतेहपुर से निर्दलीय विधायक हैं। वहीं इस घटना के बाद सिद्धार्थ ने कहा, ऑटो में लाइट नहीं होने की वजह से ये हादसा हुआ। ड्राइवर को कुछ नजर नहीं आया और जब तक कुछ समझ में आता कार ऑटो से बुरी तरह से टकरा गई थी। घटना में 3 लोगों की मौत के साथ 4 अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि कार में ड्राइवर और सिद्धार्थ के साथ उनका एक रिश्तेदार भी मौजूद था। पुलिस ने CCTV कैमरे की मदद से MLA के बेटे के झूठ को बेनकाब कर दिया है, जिसमें वो कह रहा है कि ऑटो में लाइट नहीं होने की वजह से हादसा हुआ। CCTV कैमरे की फुटेज में ऑटो में लाइट साफ दिख रही है। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी उन युवकों की कानूनी मदद करेगी जिन्हें NIA ने ISIS के कथित मॉड्यूल में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ओवैसी ने इसके साथ ही साफ किया कि उनकी पार्टी आतंकवाद का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि अल्लाह IS की मानसिकता को खत्म करे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार युवकों के परिवार के सदस्यों ने उनसे मुलाकात की और दावा किया कि वे हैं। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने एक सीनियर वकील से उन्हें कानूनी मदद मुहैया कराने के लिए कहा है। ओवैसी ने कहा, कल ये लड़के अगर दोषी नहीं पाए गए तो उन्हें उनका जीवन कौन लौटाएगा। हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, अगर कोई भारत पर हमला करता है तो हम सामने खड़े होंगे। इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि क्या NIA लिखित में दे सकता है कि संदिग्धों को गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा यदि युवक दोषी नहीं पाए गए। शनिवार सुबह राजधानी दिल्ली में मानसून की पहली बारिश ने दस्तक दी और आने वाले 2 से 3 दिनों तक गाजियाबाद नोएडा समेत समूचे NCR में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी और खुशगवार रहेगा राजधानी दिल्ली का मौसम। जहां राजधानी दिल्ली के लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली, वहीं आफत की खबर पहाड़ों की तरफ से आ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और खासतौर पर उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 48 से 72 घंटों तक उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे न सिर्फ चारधाम यात्रा प्रभावित होगी बल्कि चमोली और पिथौरागढ़ में आई प्राकृतिक आपदा के राहत कार्यों में भी रुकावट आ सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी जारी हुई है, जहां नदियों में बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले 48 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के गवर्नर NN वोरा ने अमरनाथ की गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए, साथ ही पारंपरिक तौर तरीके से पूजा अर्चना की। वहीं CM महबूबा मुफ्ती से मुलाकात कर कई अहम मुद्दे पर चर्चा की। राजनाथ सिंह आज सुबह हेलीकॉप्टर से अनंतनाग जिले में स्थित अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे। NN वोरा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, जो हर साल तीर्थ यात्रियों के लिए अमरनाथ यात्रा का प्रबंध करती है। 48 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा औपचारिक तौर पर आज से शुरू हो रही है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि आज सुबह पवित्र अमरनाथ जी के दर्शन करके वो खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं। अमरनाथ जी के बाद राजनाथ सिंह श्रीनगर स्थित हजरत बल की दरगाह पर भी पहुंचे।
इससे पहले शुक्रवार को राजनाथ सिंह ने एनएन वोरा के साथ सूबे के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से भी मुलाकात की और यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया, जिससे हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री ने कई मुद्दों पर सीएम महबूबा मुफ्ती से बात की, जिसमें व्यापार के लिए बॉर्डर पर आवाजाही बढ़ाने से लेकर विदेशी सैलानियों को लद्दाख जाने और शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवार को जमीन देने के मुद्दे शामिल रहे। राजनाथ सिंह ने बाबा बर्फानी के साथ हजरत बल की दरगाह पर भी माथा टेका। इससे कुछ दिन पहले सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी एक मंदिर में पूजा अर्चना की थी और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वादियों में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आधार कार्ड के टैगलाइन आम आदमी के अधिकार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बदल कर अब मेरा आधार मेरी पहचान कर दिया है। दिल्ली के एक भाजपा नेता समेत कुछ लोगों के आग्रह पर सरकार ने आधार की टैगलाइन से आम आदमी शब्द हटा दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी यानी आप के गठन के बाद से इस बारे में चर्चा की जा रही थी। आधार की टैगलाइन आम आदमी का अधिकार को बदल कर अब मेरा आधार मेरी पहचान कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय ने 28 जून को एक पत्र भेजकर दिल्ली भाजपा प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय को जानकारी दी है। उपाध्याय ने बताया कि 19 सितंबर 2015 को उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र भेजकर इस बाबत आग्रह किया था कि हालांकि इस मामले में UIDAI की तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई, लेकिन एक सूत्र ने बताया कि टैगलाइन को करीब 6 महीने पहले ही बदल दिया गया था। आपको बता दें कि आधार कार्ड का सृजन आम आदमी पार्टी के गठन के पहले हुआ था, लिहाजा आधार कार्ड की इस टैगलाइन को बदलने की लगातार मांग उठ रही थी। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती में आज शामिल होने के लिए पहुंचे अमित शाह। सोनेलाल पटेल की जयंती पर मंच से बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जब 2017 का चुनाव था तो सब असमंजस में थे कि क्या होगा। जब मैंने उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू किया तो मोदी जी को फोन किया कि पूर्ण बहुमत एनडीए की सरकार है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अभी हमारी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और राहुल बाबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बीजेपी की सरकार ने क्या किया, कांग्रेस की सरकार ने तो 10 साल में 12 लाख करोड़ का घोटाला किया, हमारी सरकार ने तो 2 साल हो गए लेकिन हमारी विरोधी सरकार हमारे ऊपर घोटाले का निशान नहीं लगा सकती। अमित शाह उत्तर प्रदेश के युवाओं से अनुरोध किया कि अगर आपको बिना नौकरी के घूस चाहिए तो सपा और बसपा को उखाड़ फेंको। वहीं इस रैली में मिशन 2017 को देखते हुए बीजेपी और अपना दल ने 2017 के चुनाव के लिए हुंकार भी भरी। बादल फटने की घटनाओं से बेजार है उत्तराखंड। 24 घंटे के भीतर पिथौरागढ़ और चमोली जिले में अलग अलग 6 स्थानों पर फटा बादल, चंद मिनटों में सब कुछ हो गया तबाह। 2013 की आपदा के जख्म अभी भरे भी नहीं थे और उत्तराखंड को बरसात की पहली बारिश ने फिर से गहरे घाव दे दिए। बादल फटने की घटनाएं तो जैसे उत्तराखंड के नसीब में लिख दी गई हों। बीते गुरुवार की रात और शुक्रवार की सुबह फिर उत्तराखंड के लिए भारी पड़ी। इस दौरान पिथौरागढ़ जिले और चमोली जिले में अलग अलग स्थानों पर बादल फटने की कुल 6 घटनाएं सामने आई। पिथौरागढ़ के सिंगाली, बस्तड़ी, थल और चमोली के घाट, सिरो और रंदप्रयाग में कुल 6 स्थानों पर बादल फटे। बादल फटने से इन इलाकों में चंद मिनटों में ही एक निश्चित स्थान पर 2 सेंटीमीटर तक बारिश हो गई और इतना पानी सब कुछ तबाह करने के लिए पर्याप्त था। बादल फटने की बढ़ती घटनाओं से उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में रहने वाले लोग खौफजदा हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों की भौगोलिक स्थिति बादल फटने के लिए मुफीद साबित हो रही है। नमी लेकर जब हवाएं हिमालय की ओर बढ़ती हैं तो पहाड़ों के अवरुद्ध हो जाने से बारिश एक ही जगह पर बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और इससे नुकसान बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में आई भारी बारिश का सिलसिला अगले 36 घंटों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के ऊपरी इलाकों में दबाव का जो केंद्र बना हुआ है वो राज्य के मौसम को प्रभावित कर रहा है। राज्य में बिगड़े मौसम के हालात से जहां प्रदेश में झमाझम बारिश रिकॉर्ड की गई है, वहीं कई इलाकों में नुकसान के साथ ही लोगों के घरों में पानी घुसा है। प्रदेश में शुक्रवार तड़के शुरू हुई भारी बारिश मौत की खबरें लेकर आई। पिथौरागढ़ और चमोली जैसे जिलों ने हलकान कर दिया और प्रदेश में सरकारी सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। हालांकि ये बात अलग है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था उसमें पिथौरागढ़ और चमोली का जिक्र नहीं था, जिससे मौसम विभाग की एक बार फिर बड़ी किरकिरी हुई है। प्रदेश में अगर बारिश के लिहाज के आंकड़ों से समझें तो सर्वाधिक बारिश चौखुटिया में 130 मिलीमीटर और सबसे कम जसपुर में 4 मिलीमीटर दर्ज हुई है। राजधानी देहरादून में भी शुक्रवार से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा।
जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। वहीं कैंट थाना क्षेत्र के नून नदी में एक महिला फंस गई जिसे रेस्क्यू किया गया, जबकि प्रेमनगर में बहने वाली नदी में दो मजदूरों को रेस्क्यू कर निकाला गया। वहीं रिस्पना बिंदाल से सटी बस्तियों में कुछ घरों में पानी घुसने और कुछ इलाकों में खंभे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौसम विभाग के निदेशक के मुताबिक राज्य में फेवरेबल कंडीशन अभी बारिश की बनी हुई है, जो कि आगे भी जारी रहेंगी। हालांकि मौसम के बदले मिजाज में बारिश की तेजी में कुछ कमी आ सकती है। वर्ष 2013 में आई आपदा के बाद तमाम दावे किए गए, सरकारी सिस्टम ने खुद को सुधारने की तमाम कोशिश की, लेकिन एक बार फिर भारी बारिश में सारा सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है। पहाड़ में हुए अब असल लड़ाई नुकसान के आकलन की होगी कि आखिर कितने लोगों के घर बहे, कितने पुल पुलिया सड़क का नुकसान हुआ है। बहरहाल इन सब के बीच सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या अगली मानसून सीजन की बारिश के लिए सिस्टम तैयार है। उत्तराखंड में लोकायुक्त चयन को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर नए नए बहाने बनाकर टालती आ रही हरीश रावत सरकार को अब अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में भ्रष्टाचार के खिलाफ पहरुआ बिठाने की याद आई है, लेकिन सरकार की कवायद विवादों में घिर गई है। दरअसल सरकार ने लोकायुक्त चयन के लिए जो कमेटी बनाई है उसके सदस्य को लेकर विपक्षी भाजपा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कमेटी में शामिल जस्टिस भंवर सिंह के नाम पर आपत्ति जताई है। मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि जस्टिस भंवर सिंह का नाम गाजियाबाद के चर्चित पीएफ घोटाले में सीबीआई जांच के दौरान सामने आया था, जिन पर सीबीआई ने प्रतिकूल टिप्पणी की थी। यही नहीं, कमेटी ने लोकायुक्त के लिए जो पैनल भेजा है उसमें जस्टिस जेसीएस रावत का नाम भी शामिल है, वो भी पीएफ घोटाले में सीबीआई जांच के दायरे में रहे हैं। लोकायुक्त को लेकर विपक्षी भाजपा की जो भी आपत्तियां हो, लेकिन सीएम हरीश रावत का यही कहना है कि सरकार जल्दी ही प्रदेश को नया लोकायुक्त दे देगी। राज्य में एडीबी द्वारा वाटर मीटर लगाए जाने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार जल मूल्य घटाने के दावे कर रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य की सरकार लोगों को किस तरीके से गुमराह करने का काम कर रही है। राज्य में एक तरफ जहां पानी की खपत को देखते हुए एडीबी वाटर मीटर लगाने की तैयारी कर रही है, वहीं पेयजल विभाग जल मूल्य घटाने के दावे कर रहा है। ऐसे में सरकार का दोहरा चरित्र भी दिखाई दे रहा है कि एक तरफ मीटर लगाकर देहरादून और रुड़की में पानी का लीटर के हिसाब से बिल वसूला जाने और दूसरी तरफ जल मूल्य घटाने के कोरे दावे करना आखिरकार राज्य के लोगों के साथ किसी मजाक से कम नहीं है। राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत एडीबी वाटर मीटर लगाने जा रही है। सबसे पहले एडीबी देहरादून और रुड़की में वाटर मीटर लगाया, जिससे लोगों से पानी का मूल्य लीटर के हिसाब से वसूला जाएगा। दरअसल पानी की फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जा सके, इसको देखते हुए मीटर लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे हर साल जल संस्थान को करोड़ों रुपए का फायदा होगा। लेकिन राज्य का पेयजल महकमा दूसरी तरफ जल मूल्य घटाने के दावे कर रहा है। ऐसे में भला विभाग दोहरे मापदंड अपनाकर किस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। राज्य के लोगों को पानी मुहैया करा पाने में भले ही राज्य का पेयजल महकमा नाकाम साबित होता रहे, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब लोगों की जेब काटने की तैयारी जरूर की जा रही है। विभागीय मंत्री भले ही दावा कर रहे हैं कि जल मूल्य घटाया जाएगा, तो वहीं एडीबी द्वारा वाटर मीटर लगाकर लोगों की जेब पर डाका डालने की तैयारी की जा रही है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के लालच में एक बेटे ने अपने ही बाप का कत्ल कर दिया। मामला गाजियाबाद के कवि नगर थाना इलाके का है। कत्ल करने के बाद बाप के शव को बेटे ने ऋषिकेश में ले जाकर ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में रहने वाले जितेंद्र तोमर 26 जून से लापता थे। 26 जून से लापता बिल्डर की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी बेटी सीमा ने 29 जून को गाजियाबाद के कवि नगर थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई और जांच में पता चला कि जितेंद्र और उनकी पत्नी मालती के बीच प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर विवाद चलता था। दोनों के बीच काफी समय से रिश्ते अच्छे नहीं थे। 26 जून को जितेंद्र की पत्नी मालती और बेटा अमित दोनों ही राजनगर स्थित उनके घर पर आए हुए थे, तभी दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इसी झगड़े के दौरान बेटे ने बाप की हत्या कर दी। इस दौरान मालती वहां मौजूद थीं। उसके बाद शव को एक कपड़े में लपेटकर लगेज की तरह बनाया गया और स्कॉर्पियो कार की डिग्गी में शव को रखकर ऋषिकेश ले जाया गया। वहां पर नरेंद्र नगर इलाके में करीब 100 फीट गहरी खाई में शव को फेंक दिया गया। आरोपी बेटे और उसकी मां को लगता था कि जितेंद्र तोमर अपनी सारी प्रॉपर्टी अय्याशी में खत्म कर देंगे। इसी वजह से मां बेटे और बाप में अक्सर विवाद रहता था। इसी विवाद के चलते
बेटे ने बाप की हत्या कर दी। हरिद्वार में बेखौफ बदमाशों ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और राज्य लोक सेवा आयोग के गेट के पास फायरिंग करके दहशत फैला दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक बदमाश पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। शनिवार को हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के गेट पर अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। विश्वविद्यालय के गेट से चंद कदमों दूर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी स्थित है, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि गेट के पास ही दो कारों की टक्कर हो गई, जिसके चलते मामूली कहासुनी शुरू हो गई। बात इतनी बड़ी कि एक कार में सवार बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी और फायर करते हुए फरार हो गए। घटना के बाद जहां लोगों में दहशत है, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोक सेवा आयोग और गुरुकुल विश्वविद्यालय के आसपास के इलाकों में कॉम्बिंग शुरू कर दी है। बदमाश फायरिंग करते हुए गुरुकुल की प्रोफेसर कॉलोनी की ओर फरार हो गए हैं। ऐसे में पुलिस सीसीटीवी का भी सहारा ले रही है। फायरिंग करके फरार बदमाश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। ऐसे में सीसीटीवी पुलिस खंगालने के अलावा पुलिस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात्रावासों में ठहरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों से भी संपर्क कर रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की चुनाव की आहट शुरू होते हुए आरएसएस के साथ जुड़े हिंदू संगठन हिंदू जागरण मंच ने उत्तर प्रदेश में होने वाले लव जिहाद को रोकने के लिए एक अलग तरह की तैयारी शुरू कर दी है। आरएसएस से जुड़ा हिंदूवादी संगठन हिंदू जागरण मंच एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले लव जिहाद का मुद्दा छेड़कर राजनीति गरमाना चाहता है। हिंदू जागरण मंच 15 जुलाई से ही स्कूल कॉलेज में कैंपेन का जोर देगा। हिंदू जागरण मंच के लोग स्कूल कॉलेजों में जाकर रेफरन के बाहर कैंप लगाकर लड़कियों को जागरूक करेंगे। इस दौरान लड़कियों को वह खास पर्चे भी बांटे जाएंगे। पर्चे में लिखा है कि लव जिहाद से लड़कियों की आजादी खत्म हो जाएगी, फिर वह मनचाहे कपड़े नहीं पहन सकेंगी। इसके साथ ही बुर्का पहनकर मुंह छिपाने का डर भी दिखाया गया है। मंच युवतियों को तलाक और सौतन का भी डर दिखाने के बारे में सोच चुका है। साथ ही इस अभियान को चलाने के लिए हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने कई स्कूल कॉलेजों से संपर्क कर समय भी सुनिश्चित कर लिया है। हिंदू जागरण मंच की तरफ से एक खास तरह के पर्चे छपवाए जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि लव जिहाद के चक्कर में फंस जाने पर हिंदू लड़की को क्या क्या नुकसान हो सकता है। छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने लगाई आग, इलाज के दौरान छात्रा की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आरोपी फरार। खबर यूपी के बरेली से है। तस्वीर में दिख रही है गुड़िया है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। गुड़िया 9वीं क्लास में पढ़ती थी। गुड़िया को स्कूल आते जाते समय गांव का ही लड़का छेड़ता था। इतना ही नहीं, लड़का फोन पर गुड़िया को परेशान किया करता था, जिस वजह से गुड़िया काफी समय से परेशान थी। और 23 जून को जब घर पर कोई नहीं था तो उस वक्त उसने अपने आप को केरोसिन डालकर आग लगा ली। गुड़िया की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए और उसकी आग को बुझाया। गुड़िया को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गुड़िया की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है, तो आरोपी अभी भी खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं। बरेली में छेड़छाड़ के मामलों की बाढ़ सी आ चुकी है। जरूरत है बरेली पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की, ताकि ऐसे मामलों को रोका जा सके, क्योंकि एक सप्ताह पहले ही छेड़छाड़ के मामले में एक व्यक्ति की हत्या का मामला भी सामने आ चुका है। काले बादल काल बनकर उत्तराखंड में बरसे हैं, जिसके बाद ग्राउंड जीरो पर शासन और प्रशासन का पूरा अमला जमला तैनात किया गया है और राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। उत्तराखंड में भारी बरसात का रेड अलर्ट काल बनकर जमकर जनता पर बरसा है, जिसके बाद से ही कई लोग अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं, तो कईयों की अभी तलाश जारी है। पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी, एसडीआरएफ और सेना भी तैनात की गई है, जो राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है। 2013 की आपदा को झेल चुका उत्तराखंड एक बार फिर से काफी हद तक उन्हीं हालातों से गुजर रहा है। प्रदेश के कई जनपदों में भारी बरसात ने कहर बरपाया है, जहां से काफी संख्या में प्रभावितों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर रात गुजारनी पड़ी है। गृह विभाग की माने तो एसडीआरएफ की दो और कंपनियों को कुमाऊं में तैनात किया गया है, जिसमें 200 जवान लगभग वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सभी जनपदों में फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे आपात स्थिति में मदद ली जा सके। वहीं प्रभावितों को खाने पीने की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए फूड किट की भी व्यवस्था की गई है। राज्य आपदा परिचालन केंद्र में अपर सचिव आपदा प्रबंधन सी रविशंकर ने 18 किलोग्राम के किट में मौजूद खाद्य सामग्री की जांच की है, जिसमें 4 सदस्यों के लिए लगभग एक हफ्ते का राशन मौजूद है। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ही गृह विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसमें एसडीआरएफ की अतिरिक्त फोर्स को तैनाती देने के साथ साथ खाद्य सामग्री भी प्रभावितों तक पहुँचाई जा रही है। इलाहाबाद के झूसी थाना क्षेत्र में मजदूरों को बारिश से बचने के लिए सहारा लेना महंगा साबित हो गया। दरअसल जिस दीवार का ये सहारा लेकर बारिश से बचना चाह रहे थे, वो दीवार अचानक गिर गई, जिससे मौके पर ही 5 मजदूर की मौत हो गई। इलाहाबाद के झूसी थाना क्षेत्र में 5 मजदूरों को बारिश से बचने के लिए दीवार का सहारा लेना भारी पड़ गया। दरअसल ईदगाह की दीवार का सहारा लेकर ये बारिश से बचना चाह रहे थे, लेकिन ईदगाह की दीवार अचानक गिर गई, जिससे
पांच मजदूर दब गए। ईदगाह की दीवार गिरने से पांच मजदूर की दबने से मौत हो गई। हालांकि इसमें दो मजदूर घायल हैं जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है ये सभी मजदूर झूसी थाना क्षेत्र में जो सड़क निर्माण हो रहा है उसी में कार करने के लिए आए हुए थे, लेकिन देर रात से जो बारिश शुरू हुई बारिश से बचने के लिए इन्होंने ईदगाह की दीवार का सहारा लिया था, लेकिन पुरानी ईदगाह होने की वजह से देर रात जो बारिश शुरू हुई उससे दीवार में सीलन आ गई और दीवार अचानक गिर पड़ी जिससे पांच मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि झूसी में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था जिसमें ये मजदूरी किया करते थे और कल देर रात से जो बारिश शुरू हुई बारिश से बचने के लिए इन्होंने ईदगाह की दीवार का सहारा लिया था, लेकिन ईदगाह की दीवार अचानक गिर गई जिससे पांच मजदूर की मौत हो गई।